हेलो एवरीवन, मैं अनीश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का दसीजी पीएससी कोच में। फीमेल सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 27 अगस्त को भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। तो एक बार 13 अगस्त का फेक डेट आया था सोशल मीडिया में, जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार का डेट फाइनल है। व्यापम ने अपनी वेबसाइट में डेट अपडेट कर दिया है, जिसको आप व्यापम की साइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी वो सभी महिलाएं जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है, ध्यान रखें 27 अगस्त को खुली भर्ती परीक्षा और परिसीमन भर्ती परीक्षा दोनों दो पाली में आयोजित होना है। तो 27 अगस्त 2023 को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और 21 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र आप व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूं कि ये जो 20 दिन आपके पास हैं, ये 20 दिन कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, किस प्रकार से इस 20 दिनों का 100% उपयोग करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम की हम बात करें, पढ़ाई सभी लोग करते हैं पर सिलेक्शन सभी का नहीं होता। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो जिस रणनीति के माध्यम से, जिस प्रैक्टिस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वो सभी का अलग अलग होता है। और एक परफेक्ट डायरेक्शन, एक सही तरीका सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें जो 20 दिन है आपके पास खुली भर्ती परीक्षा में, 20 प्रश्न 20 अंक के महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित होंगे। इसके बाद 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से हैं, जिसमें करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे। इसके बाद 10 और 5 मतलब कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से हैं, और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी भाषा की समझ पर आधारित होंगे, और अंतिम 15 क्वेश्चन पूर्णतः गणित पर आधारित होंगे। तो जहां एक बेहतर रणनीति की बात है, यहां पर मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज एक बहुत शानदार मीडिया है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को सही तरह से जज कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सारे सेक्शन में किस सेक्शन की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, किस सेक्शन की तैयारी आपकी कमजोर है, कहां पर और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, आपका पॉजिटिव एरिया क्या है, और कहां पर आप एवरेज हैं या कहां पर आप एवरेज से भी नीचे हैं। यह पता लगाने का एकमात्र तरीका है टेस्ट सीरीज। दसीजी पीएससी कोच आपके लिए 1 अगस्त से फीमेल सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 प्रश्न, जैसा कि एक्चुअल पेपर में आपका होना है, ऐसा टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। यह टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल कराया गया है, और अंतिम 3 टेस्ट जो है वो ऑफलाइन भी अवेलेबल होंगे, जो कि पूरी तरह से फ्री रहेगा। पर डिटेल जानने के पहले ध्यान दीजिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन पाठ्यक्रम के अनुसार सभी सेक्शन से लिए जा रहे हैं। टेस्ट 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, और यह टेस्ट ऑनलाइन मोड पर अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करने के लिए दसीजी पीएससी कोच एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके स्टोर में आप देखेंगे तो सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यह समय जो हमने यहां पर बताया हुआ है, ये हमने उस डेट पे टेस्ट पेपर अपलोड होने का समय बताया हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो है इस टाइम के बीच में अपलोड हो जाएगा, फिर आप उसको कभी भी किसी भी टाइम कितने भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बार बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो टेस्ट है ये 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, और एक दिन के गैप में 1 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, मतलब आज 7 अगस्त डेट है, और अभी 4 टेस्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। टेस्ट ऑनलाइन मोड पर है, इस तरह से ये अल्टरनेट डेज पे चलेगा 21 अगस्त तक, और उसके बाद 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त, ये 3 डेट पर, 23, 24 और 25 अगस्त, ये 3 डेट पर ये कंटिन्यूअस होगा। और ये जो तीनों डेट है, ये जो तीनों डेट है, इस डेट पर ऑफलाइन भी टेस्ट अवेलेबल रहेगा। और जो भी, लेकिन ऑफलाइन किनके लिए रहेगा, उनके लिए रहेगा जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन किया है। ऑफलाइन आखिरी के तीनों मॉडल टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, ये पूरी तरह से फ्री होंगे। किनके लिए, जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन किया हुआ है। अरे बात समझ में, जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन किया है उनको ये लास्ट के 3 टेस्ट निःशुल्क ऑफलाइन मोड पर भी
संस्थान में उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले से बिना किसी फीस के पंजीयन कराना आवश्यक है। मतलब आपको हमें इन्फॉर्म करना है कि सर मैंने ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन किया हुआ है और मैं ऑफलाइन टेस्ट में अपीयर होना चाहती हूं, जो लास्ट के 3 फ्री मिल रहे हैं। ये लास्ट के 3 टेस्ट ऑफलाइन में फ्री मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट तो आप अपने मोबाइल फोन से देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल का अच्छा अनुभव हो और वहां का सारा रूटीन का एक प्रैक्टिस हो, इसलिए आखिरी के जो 3 टेस्ट हैं ये ऑफलाइन मोड पर फ्री दिए जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारा ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन किया हुआ है। ठीक, ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा कुछ भी सडन नहीं लगना चाहिए कि हम आए और अचानक से हम एग्जाम में बैठ गए, ऐसी फीलिंग नहीं आना चाहिए। एग्जामिनेशन वाले दिन आपको बाकी दिनों जैसा सामान्य महसूस होना आवश्यक है, आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है, धैर्य के साथ अपनी तैयारी पे और अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें। अब टेस्ट सीरीज देना आम बात है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अच्छा जजमेंट पाते हैं, आपको समझ में आता है कि किस सेक्शन के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, किस सेक्शन के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि ये जितने भी टेस्ट आपके हैं इस टेस्ट को टेस्ट होने के बाद दूसरे दिन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में लाइव आकर के सारे टेस्ट पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्व करवाने का मतलब यह है कि जैसे ये 100 क्वेश्चन पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पोर्शंस का रिवीजन भी होगा और बहुत सारे और ऐसे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप परफेक्ट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, ये चीज मैं लाइव सॉल्यूशन के माध्यम से आकर के बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें पहला टेस्ट 1 अगस्त का जो है वो पूरी तरह से फ्री है, मॉडल टेस्ट है, समझिएगा डेमो टेस्ट है, जिसको बिना टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी कैसी है, टेस्ट कैसे है और कैसे देना है, टेस्ट कैसे ज्वाइन करें और टेस्ट कैसे दें, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। और अभी हमारा जो सॉल्यूशन लाइव स्टार्ट होने वाला है जो कि हम कल 8 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल 8 अगस्त को हम जो पहला पेपर है 1 अगस्त का उसके सॉल्यूशंस पे डिस्कस करेंगे, फिर 9 अगस्त को दूसरे पेपर पे, इस तरह से कंटिन्यूअस हम डे बाय डे हर एक दिन एक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करते जाएंगे। सॉल्यूशन डिस्कशन का जो टाइमिंग होगा वो लाइव रहेगा एप्लीकेशन पे और वह डेली जो डेट होगा उस पे सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होगा, तो 9:30 बजे से लगभग 12-1 बजे तक हमारा लाइव डिस्कशन चलेगा टेस्ट पेपर को लेकर के। इसका बेनिफिट आपको होने वाला है 8 अगस्त को जो पहला टेस्ट है उसका जो लाइव डिस्कशन रहेगा वो यूट्यूब पर लाइव रहेगा फ्री डेमो के रूप में, और इसके बाद के जो टेस्ट है वो एप्लीकेशन में उन्हीं को लाइव मिलेगा, सॉल्यूशन उन्हीं को लाइव मिलेगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है। अब देखिएगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने में आप लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ टेस्ट देना कैसे है इसको भी लेकर के समस्याएं हैं, ऐसे कुछ इश्यूज स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से कैसे टेस्ट को ज्वाइन करें और कैसे टेस्ट दें, किस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले द CGPSC कोच मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद आपको जाना है अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, तो ये मैंने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया, ठीक है, और इसके बाद आपके उस नंबर पर एक OTP आएगा, OTP आने के बाद ये वेरीफाई होकर के द CGPSC कोच एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर स्टोर में देखेंगे, स्टोर में आपको सारे कोर्सेज द CGPSC कोच ने जो अवेलेबल कराए हैं वो सारे कोर्सेज इस तरह से आपको दिखाई देंगे। 4 सितंबर 2023 से हमारी प्री कम व्यापम की जो बैचेस है लॉन्ग टर्म वो स्टार्ट होने वाली है, 4 सितंबर से हमारी हॉस्टल वार्डन की बैच स्टार्ट होने वाली है, 4 सितंबर से हमारी CGPSC प्री की बैच स्टार्ट होने वाली है, 4 सितंबर से हमारा CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर में ही आपको दिखाई देता है। तो ये देखिएगा, टेस्ट सीरीज महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा 2023 ₹300 इसके ऑनलाइन टेस्ट की फीस है, तो ये ओपन करेंगे आप, और ओपन करने के बाद देखिएगा ये इस तरह से नीचे बाइनाव लिखा रहेगा, तो इस बाइनाव में आपको क्लिक करना है, बाइनाव में आपको क्लिक करना है, फिर इस तरह से पेज लोडिंग आएगा,
पेज लोडिंग होने के बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये आपको पेमेंट स्क्रीन पेमेंट गेटवे का इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। इसमें आप गूगल पे फोन पे या यूपीआई आईडी से पेमेंट करके इस ट्रेजरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा यदि आप तो फिर यदि आप उसी फोन में गूगल पे फोन पे चलाते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं चलाते हैं तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पर यूपीआई में इसमें जिस भी यूपीआई आईडी से आपको पेमेंट करना है उस यूपीआई आईडी को टाइप कीजिए, फिर जिनका यूपीआई आईडी है उसमें चला जाएगा पेमेंट के लिए, फिर उनके मोबाइल से पेमेंट होगा और कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे गूगल पे से पेमेंट करना है, मैंने गूगल पे को टच किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर पे नाउ कर दिया। ये देखिएगा ठीक है, पे नाउ होने के बाद गूगल पे का पेज ओपन होगा, इसको अनलॉक करेंगे और उसके बाद इस तरह से पे करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर आपको यूपीआई आईडी पासवर्ड डाल करके कोर्स को परचेस करना है पेमेंट करके। ये देखिए अभी मेरा पेमेंट हो गया, इसके बाद ये कोर्स अब ज्वाइन हो गया, अब इस कोर्स को परचेस किया जा चुका है, ये कोर्स अब मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा या तो आप एप्लीकेशन में जाएं या जब भी उस कोर्स को ओपन करेंगे तो ओवरव्यू कंटेंट लाइव क्लासेस नोटिस बोर्ड सारा कुछ इस तरह से स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। तो इसमें कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में देखिएगा सुपरवाइजर टेस्ट 1, सुपरवाइजर टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, अभी तक 4 टेस्ट हुए हैं ये अवेलेबल हैं और चारों टेस्ट का जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है, ताकि आप उसको डाउनलोड करके सेल्फ रीड भी करना चाहते हैं तो कर सकें, प्रिंट आउट भी आप उसका निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर अटेम्प्ट में जाएंगे और अटेम्प्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी टर्म्स कंडीशन है वो रीड करके उसको नेस्ट करना है, नेस्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है, फिर अटेम्प्ट टेस्ट में जाना है और इस तरह से वन बाय वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने लगेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन पर है, यदि बनता है तो सही आंसर पर मार्क करें, नहीं बनता है तो आगे मूव करें। ठीक है, इस तरह से नेस्ट करते हुए आप पूरे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है ऑनलाइन टेस्ट को देने का। पूरे 100 क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे फिर यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि कितना टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, क्या किया है, और इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट आप सबमिट करेंगे तब आपके स्कोर आपको मिलेंगे, मतलब कितने सही कितने गलत आंसर हुए वो आपको पता चलेंगे। और हर क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखना होगा तो नेक्स्ट में आपको व्यू आंसर का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और सबमिट टेस्ट करने के बाद आपको कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। जैसे देखिएगा अभी मैंने टोटल 100 में से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दोनों के आंसर करेक्ट रहे हैं, 98 क्वेश्चन अभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। और इसके बाद व्यू सॉल्यूशंस, ये व्यू सॉल्यूशन में जाने से आपको हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर जो है वो दिखाई देगा। ये जो ग्रीन से डला हुआ है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में जाएंगे तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आगे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। जहां पर आप क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लेते हैं वहां पर ग्रीन की जगह रेड दिखता है और ग्रीन जो है वो आपको राइट आंसर को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाता है, जिसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी और वो गलतियां कर रहे थे। एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करें, ऑनलाइन टेस्ट देने बैठें, तो एक टाइम लेकर के बैठें, दो घंटे का टेस्ट का टाइमिंग है। और इस दौरान किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन को इंटरटेन ना करें या नोटिफिकेशन ऑफ करके टेस्ट स्टार्ट करें, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आता है और आप उस नोटिफिकेशन में मूव करते हैं तो टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सही वैल्यूएशन है वो नहीं हो पाता, आपको केयरफुल रहना है। ठीक, तो इस तरह से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो बताइए। तो इस तरह से ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करके उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो इंस्टीट्यूट का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लें। लाइव सॉल्यूशंस में बहुत सारे मेथड्स और डिटेल्स के थ्रू आपके कंप्लीट कोर्स को कवर करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। आप सभी को अनेक शुभकामनाएं, निश्चित तौर पर आप अपना चयन सुनिश्चित करें और आगे की क्लासेस में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। यूट्यूब चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 20 दिनों में सुपरवाइजर एग्जाम को लेकर के मैथमेटिक्स की फ्री क्लासेस के साथ साथ
और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी फ्री कराई जाएगी, तो इसका भी आप पूरा लाभ जरूर लीजिएगा।